व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। बताते चले कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके बाद यहाँ पर फैंस ने उनके न्याय की मांग करना शुरू कर दी थी। अब उनके निधन को लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला। लेकिन एक और बड़ी जानकारी आई सामने, एक और बड़ा नया खुलासा हुआ जिसने काफी ज्यादा चौंका के रख दिया। हो सकता है कि कुछ लोगों को मालूम हो, लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये जैसे ही जानकारी मिली तो उसके बाद उन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तो चलिए बताते हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या। ये सुशांत सिंह राजपूत मौत के निधन के मामले में उनके दोस्त संदीप एस सिंह शुरुआत से ही शक के घेरे में नजर आए हैं। वो वही शख्स है जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और जिन्होंने अभिनेता यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम भी कराया था। दावा किया था कि वो सुशांत के 1 साल से अधिक समय से नहीं मिले थे। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये थी कि संदीप ने खुद ये खुलासा किया था कि जब उन्हें मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तब वह दिवंगत अभिनेता का आधार कार्ड और पैन कार्ड भी साथ लेकर गए थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि उनके पास आखिर सुशांत का आधार कार्ड और पैन कार्ड कहाँ से आया। वो सुशांत के 1 साल से अधिक समय से नहीं मिले थे, ना ही अभिनेता का परिवार उन्हें जानता है। ऐसे में उनके पास सुशांत के जरूरी दस्तावेज मिलना चौंकाने वाली बात जरूर थी। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में 15 करोड़ रुपए की अहम भूमिका रही है। इसको लेकर सुशांत के पिता केके सिंह ने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने बैंक अकाउंट से इतनी बड़ी राशि बिना किसी जानकारी के किसी अज्ञात अकाउंट में ट्रांसफर कराई गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संदीप सुशांत को बैंकक्रप्ट करके छोड़ना चाहते थे। इस पूरे मामले पर अब संदीप ने प्रतिक्रिया दी थी। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा था कि पूरा एक प्रोसीजर होता है कि आधार कार्ड ले आइए, पैन कार्ड ले आइए, यहाँ पर जेरोक्स कॉपी ले आइए। मैंने पहले ये सब किया नहीं था और मेरे लिए ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस बीच मुंबई पहुंचते ही सीबीआई की टीम एक्शन में आ गई थी। 5 टीमें लगातार कई इलाकों में जांच कर रही थी और सीबीआई की टीम जल्द ही अपने आप को सुशांत का दोस्त बताने वाले संदीप एस सिंह से पूछताछ करने वाली थी। संदीप सिंह जिन्होंने एक नेटवर्क में बताया था कि किस तरीके से सुशांत का करीबी दोस्त, साथ ही साथ सुशांत के निधन वाले दिन की बात बताते हुए इनके बयानों में विरोधाभास देखा गया था। बता दें कि सुशांत के निधन के बाद संदीप सिंह को सुशांत के घर पर ही देखा गया था। आखिरकार ये सवाल उठना लाजमी सी बात है कि जब आप यानी कि संदीप यहाँ पर 1 साल से नहीं मिले सुशांत से, और सुशांत उस बीच काफी बार इंडिया से बाहर जा चुके थे, उनके पास उनका खुद का आधार, पैन कार्ड, सारी चीजें थी, तो वो संदीप के पास कैसे हो सकती है। तो सिर्फ रिया ही नहीं, अब रिया के साथ साथ यहाँ पर संदीप भी बुरी तरह फंसते हुए नजर आए हैं। तो क्या आपको भी शक है यहाँ पर संदीप को लेकर कि हाँ सच में संदीप ने कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती से हाथ मिलाया? तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम लाइव।